योगी राज में गुंडा राज कायम, भूस्वामी को नहीं मिल रहा न्याय। पूर्व में लिखे मुकदमे से बौखलाए लोग दे रहे जान से मारने की धमकी। पूरा मामला बारा थाना क्षेत्र के कूड़ी गोहानी पेट्रोल टंकी के बगल का है, जहां पर देखा जाए तो कई वर्ष पूर्व यह जमीन लिया गया था, जिसमें जब कार्य शुरू किया तो कुछ दबंगों द्वारा आकर घर को गिराने लगे और गाली गलौज कर जान से मारने का प्रयास किया, जिसमें पीड़ित परिवार डॉक्टर रघुराज सिंह, अधिवक्ता हाईकोर्ट आदित्य सिंह, पुत्र लाल बहादुर सिंह के द्वारा थाना परिसर में जाकर तहरीर के आधार पर पुलिस प्रशासन की मदद से मुकदमा पंजीकृत किया और वहीं पर अपने मकान का कार्य करवा रहे थे, जिसमें उनके द्वारा बने मकान को गिरा दिया और वहां पर काम कर रहे लोगों के साथ बदसलूकी की। वहां भीड़ भड़क देखकर क्षेत्रीय वरिष्ठ पत्रकार सोनू सिंह बघेल खबर को कवरेज करने गए तो हाथापाई गाली गलौज करते हुए उनके पड़ोस के रहने वाले कुछ सहयोगियों के द्वारा पत्रकार को जान से मारने की फिराक में घूमते रहे, लेकिन उन लोगों द्वारा अनावश्यक रूप से दबाव बनाकर पत्रकार को बराबर धमकाया जा रहा है। आज वहीं देखा जाए तो दबंग किसके लोग अरविंद सिंह पुत्र स्वर्गीय नेपाल सिंह और उनके एक रिश्तेदार संदीप सिंह व कुछ अज्ञात लोगों के साथ, जो आज कई महीने से वहीं रह रहे हैं, बराबर उस प्लॉट के इर्द गिर्द नजर आते हैं, जो अपने आप को एक माफिया बताते हैं। इतना ही नहीं बल्कि मर्डर जैसा कार्य हमारे लिए सब आम बातें हैं, ऐसा कहते हैं। दो चार बीघे जमीन बेच कर मुकदमे से नाम हटवा लेंगे, पुलिस प्रशासन को अपने कब्जे में रखते हैं और इस व्यक्ति के अंदर बिल्कुल भी अब डर खत्म हो चुका है। उनके रिजार माफिया द्वारा पत्रकार सोनू सिंह बघेल से यह भी कहा कि पत्रकार महोदय अपना रास्ता बदल लो, नहीं तो वह दिन दूर नहीं है जब आपके लिए अच्छा नहीं होगा। प्रयागराज से क्राइम रिपोर्टर नरेंद्र यादव।